पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री धाम मथुरा से पधारे पंडित नंद किशोर पांडे जी महाराज ने कहा कि भक्तमाल महात्मा वृंदावन के संत पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज से पूज्य श्री नारायण दास बक्सर वाले मामा जी भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। जब ग्रंथ की पूर्णता होने लगी तब आपने श्री भक्तमाली के सम्मुख श्रीमद् भागवत श्लोकार्थ समेत पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो बड़े ही प्रेम से बोले, नारायण दास, क्या तुम्हारी इच्छा दास से पंडित बनने की है? ये सुनकर गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और वो बोले, नहीं गुरुदेव, मुझ दास को संतों का दास ही बने रहने की इच्छा है, पंडित बनाने की इच्छा नहीं है। तब भक्तमाली जी ने कहा, फिर तुम केवल भक्तमाल जी का आश्रय लो, इनका पठन पाठन, इनका ही अध्ययन और इनका ही ध्यान करो, इन्हीं को प्रसाद रूप में भक्तों में वितरण करो। भक्तमाल जी की कृपा से एक दिन तुम्हारे हृदय में श्रीमद् भगवत स्वयं प्रकट हो जाएगा। मस्त हाथी है, हाथी को क्या स्पर्श करने की इच्छा होती है बहुत जल्दी हथनी को देखते। अब ये दौड़ करके हाथी आवे, लकड़ी की हथनी को जब हाथी देखे एकदम भैरा तो है, और जो हथनी के पास आवे वो गड्ढा में गिर जाए और हाथी को पकड़ ले। उसी प्रकार से जब हम संसार में घूमते हुए मदमस्त हो जाते हैं, हाथी की तरह हो जाते हैं, तो भगवान भी हमको फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। महाराज संत भगवान कहते हैं, किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देखना महापाप है। आगे हमारे श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने दसवां गुरु बनाया है मधुमक्खियों को। मधुमक्खी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? ध्यान दें, जीवन में संग्रह करना अच्छी बात है, लेकिन उस संग्रह को करके सड़ाना बिल्कुल गलत बात है। एक कहावत है हमारे यहाँ, एक सेठ जी थे और एक पंडित जी थे, राधे राधे, ध्यान देंगे, एक सेठ जी थे एक पंडित जी। अच्छा, सेठ जी भी कपड़े की दुकान थी और पंडित जी के पास कपड़े बहुत आते थे, साल में इतने ही पंडित जी के पास कपड़े आ जाते लगभग जितने उनकी दुकान में। एक दिन सेठ जी और पंडित जी दोनों बैठे हुए, सेठ जी बोले पंडित जी से, सेठ जी बोले पंडित जी, जैसे ही तुम और वैसे ही हम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।